वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1 + sec a / sec a = sin² / 1 - cos a। इसका मतलब क्या होता है कि एल एच एस ये है, आर एच एस ये है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। पहले एल एच एस को सॉल्व करेंगे जो आएगा वो, फिर उसके बाद आर एच एस को सॉल्व करेंगे, वो दोनों मान इक्वल होंगे। समझ में आया? इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 + sec a है, sec a का मतलब क्या होता है, 1 / cos a, sec a को चेंज कर देंगे। यहाँ पे sec a इज इक्वल टू 1 / cos a, इसी में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ 1 + 1 / cos a / 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 / cos a, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो गया। इसका एलसीएम ले लिए, आया क्या, कास ए, कास ए आ गया, 1 cos a टाइम्स गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कास ए प्लस, अभी ये वाला ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, कास ए से कास ए कट गया, आया क्या 1। अब इसको अपान, ये क्या है 1 / cos a, ये इस तरह से लिखेंगे। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का रूल लग जाएगा। यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, cos a प्लस 1 / cos a इंटू, ये जो है ये cos a नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया cos a अपान 1। ये फ्रैक्शन का रूल है। यहाँ इसको हमने cos a से cos a कैंसिल कर दिया, आया क्या हमारा cos a प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो आया है एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 आ गया। यहाँ पे हम इसको क्या करना था हमको, यहाँ पे यहाँ प्रूफ भी लिखेंगे, अब सही है। तो यहाँ पे एल एच एस का वैल्यू कितना आया, cos a प्लस 1, इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या है, ये आर एच एस है हमारा, एल एच एस का वैल्यू कितना आया, cos a प्लस 1, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। ये आर एच एस, आर एच एस का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर a अपान 1 - cos a, ये है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे है एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - cos² a, ये होता है। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² a, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर के जगह पे 1 - cos² a रख देंगे। तो यहाँ पे हम रख दिए इसको 1 - cos² a अपान 1 - cos a, ये हो गया 1 - cos² a अपान 1 - cos a। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम 1 - sin² a का मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + cos a, a प्लस b इंटू a माइनस b का मतलब 1 - cos a, ये हुआ अपान, ये क्या है 1 - cos a, ये हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे है ये ऊपर है, इसको हम ऐसे कट कर देंगे, जब ये कट हो गया तो आया क्या आर एच एस का मान कितना आ गया, इज इक्वल टू आया कितना 1 + cos a, ये हमारा आर एच एस का वैल्यू आ गया।
यहाँ पे जब इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस कास ए, ये LHS का वैल्यू कितना है, कास ए प्लस 1। अभी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, RHS इज इक्वल टू प्लस में इधर उधर संख्या कर देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वही सेम टू सेम रहता है, कास ए प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया, अभी हम इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। तो देखो, इसलिए LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।